कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के बीच ही बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि लॉकडाउन का दूसरा दौर खत्म होने के बाद की सूरत भी साफ नहीं दिख रही। द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट अपीयर टू हैव अ क्लियर आईडिया ऑन हाउ द सिचुएशन विल बी मैनेज्ड आफ्टर मे। सोनिया गांधी के बयान के बाद कोरोना पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाकर सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सरकार के साथ तो जरूर खड़ी होगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकारों की राय को नजरअंदाज करने का मुद्दा भी उठा दिया। कोविड के खिलाफ लड़ाई की रणनीति हर स्थान के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि ऊपर बैठकर और एक ही निर्णय सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए। वहीं सोनिया गांधी के बयान पर सरकार ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड, वी आर नॉट ब्रिंगिंग इन कम्युनलिज्म और एनीथिंग, दे आर कल्प्रिट्स ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी। व्हाई यू आर वांट टू डू, द होल कंट्री इज वन। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि फर्जी डॉक्टर न केवल लोगों का इलाज कर रहा था बल्कि अपने क्लिनिक में लोगों को भर्ती भी करता था। इसकी खबर मिलने के बाद पुलिस ने उसके क्लिनिक पर छापा मारा तो पता चला कि उस शख्स के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। फर्जी डॉक्टर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके क्लिनिक को सील कर दिया। डिग्री ना होने के बावजूद उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सामने वार्ड बनाया हुआ है और उसमें उन पेशेंट को भर्ती किया हुआ है। उस सूचना पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा उस वार्ड को सील कर दिया गया है और उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कई योजनाओं के तहत गरीबों की करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद की। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दी गई। जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। इतना ही नहीं, करीब 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 1,400 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना के की पहली किस्त के तौर पर 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे करीब 10.5 लाख कर्मचारियों के खाते में उनके PF खाते से करीब 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की उस चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और BMC से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को रमजान के महीने में रोजे रखने की इजाजत देने की अपील की। इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार रमजान के महीने में मरीजों के लिए सहरी और इफ्तार का अस्पतालों में ही इंतजाम करवाए जिससे मुस्लिम समुदाय के मरीज रोजे रख सके। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये ज़रूरत जो मुसलमानों की है वो सरकार पूरी करे या हमसे कांटेक्ट करे, अपने अपने इलाके के MLA से कांटेक्ट करे ताकि ये जो ज़रूरत है लोगों की।